होली के दिन 35 से 40 गुंडों के हमले का शिकार हुआ गुरुग्राम का मुस्लिम परिवार अब घसोला गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा है। पिछले 15 वर्षों से घसोला गांव में रह रहे इस परिवार के मुखिया मोहम्मद साजिद ने बताया है, या तो हम दिल्ली जाएंगे या अपने गांव धूमसपुर चले जाएंगे। जो घटना यहाँ हुई है वह दोबारा भी हो सकती है। अगर ऐसी घटना गाँव में होती हो, हमारे साथ 15 से 20 लोग खड़े होते हैं, तो यहाँ तो हम पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। साजिद ने बताया कि जिन लोगों ने हमला किया वो इस इलाके के नहीं थे, क्योंकि आसपास के लोगों ने उन्हें या उनके परिवार को कभी परेशान नहीं किया। ये घर मेरा सपना था, मैंने इसे बनाने के लिए करीब 20 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब बेहतर यही होगा कि हम इसे छोड़ दें। साजिद ने पत्नी और 6 बच्चों के लिए धूमसपुर गाँव के भूप सिंह नगर कॉलोनी में 3 साल पहले घर बनाया था। भूंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मुताबिक साजिद के रिश्तेदार होली के दिन उनके घर आए थे। साजिद के भतीजे दिलशाद ने FIR में शिकायत की है कि वे लोग घर के नजदीक खाली प्लॉट पर क्रिकेट खेल रहे थे, तभी कुछ लड़कों ने उनसे बहस करते हुए कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, पाकिस्तान जाओ और वहाँ खेलो।